राहुल गांधी की तिरुपति बालाजी के दरबार से मिशन साउथ की शुरुआत। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने के बाद पहली बार वह आंध्र प्रदेश दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद वह लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। राहुल गांधी यहां रोड शो करेंगे और एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी दोपहर 3 बजे ज्योतिराव फूले सक्रिय से ताराक्रमा स्टेडियम तक रोड शो करेंगे। इसके बाद 4 बजे ताराक्रम स्टेडियम में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के आने के एक दिन पहले यानी गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मिशन साउथ को लेकर आंध्र प्रदेश दौरे पर आए थे। अमित शाह यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमलावर हुए थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी रैली में संबोधित करते हुए कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी पर जमकर हमला बोला। पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि जहां एक तरफ देशवासियों के दिल में दर्द है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश आज जिस आतंकवाद में फंसा हुआ है, उसके जनक पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। अगर उस समय सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो आज ये समस्या ही नहीं आती। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.